ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये अंतरिक्ष समय के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। जरा सोचिए, ऐसी जगह जो इतनी घनी है कि सब कुछ अपनी तरफ खींचती है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय गर्त जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाता है। ये रहस्यमय चीजें वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को समान रूप से आकर्षित करती हैं और ब्रह्मांड की चरम सीमाओं के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाती हैं। लेकिन ब्लैक होल बनते कैसे हैं? क्या होता है जब कुछ उसमें गिर जाता है? और ये खगोलीय पिंड हमें गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति और ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में क्या बता सकते हैं? मेरे साथ जुड़ें और हम ब्लैक होल के रहस्यों में उड़ते हैं, उनके अजीब गुणों और ब्रह्मांड को समझने के लिए उनके गहरे निहितार्थों की पड़ताल करते हैं। ब्लैक होल विशाल सितारों की मृत्यु से पैदा होते हैं, जो बहुत तेज चमकते हैं लेकिन कम जीवन जीते हैं। तारे अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं और इस प्रक्रिया में जबरदस्त ऊर्जा छोड़ते हैं। जैसे जैसे एक विशाल तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त करता है, यह अब अपने भार का समर्थन नहीं कर पाता है। कोर अपने आप में ढह जाता है, अकल्पनीय बल के साथ अंदर की ओर फट जाता है। यह पतन एक सुपरनोवा को ट्रिगर करता है, एक प्रलयकारी विस्फोट जो पूरी आकाश गंगाओं को मात देता है। पूरी बुक है। सिंगुलैरिटी के आसपास एक सीमा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह उस वापसी के बिंदु को चिन्हित करता है जिसके बाद जो भी बहुत पास आता है वह वापस नहीं जा सकता। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण पकड़ में फंस जाती है। इवेंट होराइजन को एक ब्रह्मांडीय झरने के रूप में कल्पना करें। एक बार जब आप किनारे को पार कर जाते हैं तो वापस ऊपर की ओर जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी ओर सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का दिल है। यह अनंत घनत्व का एक बिंदु है जहां ब्लैक होल में गिरने वाला सारा पदार्थ केंद्रित होता है। सिंगुलैरिटी रहस्य की जगह है, जहां भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ चरमरा जाती है। खंड चार, गुरुत्वाकर्षण भ्रांतियां। पूरी तरह से ब्रह्मांडीय वैक्यूम नहीं। ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद ब्लैक होल वास्तव में अपने आसपास की हर चीज को अंदर नहीं खींचते हैं। वे एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालते हैं, लेकिन यह केवल कम दूरी पर ही महत्वपूर्ण होता है। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बड़ी बॉलिंग बॉल की कल्पना करें। यह कपड़े में एक डुबकी बनाता है, लेकिन दूर की वस्तुएं अप्रभावित रहती हैं। इसी तरह एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण केवल इवेंट होराइजन के पास ही चरम हो जाता है। सुरक्षित दूरी पर मौजूद वस्तुएं ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगी, ठीक उसी तरह जैसे ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय खुलिगान नहीं है जो बेतरतीब ढंग से हर चीज को निगल रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण के उन्हीं नियमों द्वारा शासित वस्तुएं हैं जो शेष ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। इसी की दिशा में वो अंके हैं। खंड पांच, रसातल में छलांग, स्पेगेटिफिकेशन और समय का फैलाव। क्या होगा यदि आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं? मान लीजिए कि यह कोई सुखद अनुभव नहीं होगा। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के पास पहुंचेंगे, आप स्पेगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। स्पेगेटी की तरह फैले होने की कल्पना करें। यही एक ब्लैक होल का तीव्र गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर के साथ करेगा। समय भी अजीब व्यवहार करेगा। जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के करीब गिरते जाएंगे, बाहरी पर्यवेक्षक के सापेक्ष आपके लिए समय धीमा होता जाएगा। इस घटना को समय के फैलाव के रूप में जाना जाता है। खंड छह, समय का अंत, हॉकिंग विकिरण और ब्लैक होल का भाग्य। ब्लैक होल जिन्हें कभी शाश्वत माना जाता था, अब माना जाता है कि वे धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया हॉकिंग विकिरण के रूप में जानी जाती है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को
कणों और प्रतिकणों के उतार चढ़ाव वाले समुद्र के रूप में कल्पना करें। कभी कभी एक कण ब्लैक होल में गिर जाएगा, जबकि दूसरा अंतरिक्ष में भाग जाएगा। यह बचा हुआ कण ब्लैक होल के द्रव्यमान और ऊर्जा का हिस्सा ले जाता है। हॉकिंग विकिरण की यह प्रक्रिया सबसे विशाल ब्लैक होल को भी अंततः पूरी तरह से वाष्पित कर देगी।